हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू किटन सी एस सी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फोर्थ न्यूमेरिकल ऑन रिजर्वेशन टेबल्स, जिसमें हम देखेंगे फॉरबिडन लेटेंसी कैलकुलेट करना, कोलिजन वेक्टर निकालना, ग्रीडी साइकिल्स एंड मैल फाइंड आउट करना, एंड लोअर बाउंड ऑन मैल, ये भी हम देखेंगे। सो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें। सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन ऑन रिजर्वेशन टेबल। सो कंसिडर दिस रिजर्वेशन टेबल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आया हुआ है। सो हमें इसमें फॉरबिडन लेटेंसीज निकालनी है, देन इनिशियल कोलिजन वेक्टर फाइंड आउट करना है, देन सेकेंडली वी हैव टू ड्रॉ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, देन वी हैव टू फाइंड और डिटरमाइन द मैल एसोसिएटेड विद द शॉर्टेस्ट ग्रीडी साइकिल, देन वी हैव टू फाइंड आउट द पाइपलाइन थ्रूपुट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू मैल एंड अ गिवन क्लॉक साइकिल, and lastly we have to find the lower bound on the mel for this pipeline and how you obtain the optimal latency from the above state diagram. So starting with the first question, what are the forbidden latencies, and we have to find the initial collision vector from the forbidden latencies and permissible latencies. So we know ki forbidden latencies aisi latencies hain jinki wajah se collision cause hota hai, aur ise nikalne ke liye hum har ek stage mein number of check marks dekhenge aur unke beech ka difference dekhenge. सो स्टेज वन में अगर हम देखें तो वी कैन सी कि स्टेज वन में दो चेक मार्क्स हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, फाइव है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और सिंपली अगर हम 6 माइनस 1 करें तो भी ये निकल जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस है 5 एंड इन दो चेक मार्क्स के बीच का डिफरेंस एस टू में कितना है, 2, एंड एस थ्री में हम देख रहे हैं एक ही चेक मार्क है तो 0, एंड एस फोर में हम देख रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। सो इस तरीके से एस वन में हमने देखा 5 आ गया, S2 में 2, S3 में 0 एंड S4 में 1। सो इस तरीके से हम फॉरबिडन लेटेंसी का सेट निकाल सकते हैं। सो फॉरबिडन लेटेंसी हो गई हमारी 1, 2 एंड 5। इट मींस ये वो लेटेंसीज हैं 1, 2 एंड 5 जिनकी वजह से कोलिजन होगा। तो जो रिमेनिंग लेटेंसीज है वो कौन सी लेटेंसीज है, परमिजिबल लेटेंसीज है, जिनकी वजह से कोलिजन नहीं होगा। सो परमिजिबल लेटेंसीज डज नॉट कॉज कोलिजन्स। सो ये लेटेंसीज हो गई 3, 4 एंड 6 प्लस। 6 या 6 से ज़्यादा वाली लेटेंसीज जो भी होंगी इनकी वजह से कोलिजन नहीं होगा। सो अब हमें क्या निकालना है, कोलिजन वेक्टर निकालना है। कोलिजन वेक्टर वी नो कि फॉरबिडन एंड परमिसिबल लेटेंसी के कॉम्बिनेशन से कोलिजन वेक्टर निकलता है, और उसमें हमें यह देखना है कि कितने बिट का कोलिजन वेक्टर होगा। सो कितने बिट का कोलिजन वेक्टर होता है, मैक्सिमम फॉरबिडन लेटेंसी जितनी है उतने नंबर ऑफ बिट्स होंगे कोलिजन वेक्टर में। तो मैक्सिमम फॉरबिडन लेटेंसी क्योंकि 5 है, सो हमारा कोलिजन वेक्टर कितने बिट्स का होगा, 5 बिट्स का होगा। सो कोलिजन वेक्टर के लिए वी नो कि हम राइट से लेफ्ट स्टार्ट करते हैं कोलिजन वेक्टर लिखना, जिसमें 5 बिट्स होंगे। तो फर्स्ट बिट हो गया C1, C2, C3, C4, C5, एंड फॉरबिडन लेटेंसी वाली पोजिशंस पे हम 1 डाल देंगे एंड परमिसिबल लेटेंसी वाली पोजिशन पे हम 0 डाल देंगे। सो हमने 1, 2, 5 पोजीशन पे 1 डाला हुआ है बिकॉज ये फॉरबिडन लेटेंसीज हैं, एंड 3, 4 पे हमने 0 डाला हुआ है बिकॉज ये परमिसिबल लेटेंसीज हैं। ओके, सो ये पॉइंट हम ध्यान रखें। एंड जो लास्ट वाला है, 6 वाला, C6 वाला, हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं बिकॉज वहाँ पे 0 ही आएगा तो हम इसे जनरली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कोलिजन वेक्टर में नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे। मैक्सिमम फॉरबिडन लेटेंसी जो भी होगी 5 है, तो 5 नंबर ऑफ बिट्स होंगे। 5 से ज़्यादा वाला जनरली वो परमिसिबल लेटेंसी रहती है, तो उसे हम यहाँ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ हम इसे मेंशन नहीं करेंगे। सो हमारा ये हो गया कोलिजन वेक्टर, और इसे हमने यहाँ लिख दिया 10011। सो दिस इज़ अवर इनिशियल कोलिजन वेक्टर। अब इससे इनिशियल कोलिजन मानकर, इनिशियल स्टेट मान के हम स्टेट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम कोलिजन वेक्टर से ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारा इनिशियल कोलिजन वेक्टर स्टार्टिंग स्टेट होता है, और उसमें हम ट्रांजिशंस देते हैं किसका, परमिसिबल लेटेंसी का। तो जो हमारी परमिसिबल लेटेंसी है 3, 4, 6 प्लस, हम ट्रांजिशंस देंगे और हम नए स्टेट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नए स्टेट फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें नेक्स्ट स्टेट का कोलिजन वेक्टर चाहिए तो क्या मेथड है निकालने का, जो भी हमने प्रेजेंट स्टेट का कोलिजन वेक्टर लिया है उसे हम शिफ्ट करेंगे राइट। राइट शिफ्ट करने के बाद उसे हम बिट वाइज और परफॉर्म करेंगे इनिशियल कोलिजन वेक्टर के साथ। ओके, तो शिफ्टेड कोलिजन वेक्टर ऑफ प्रेजेंट स्टेट इज बिट वाइज ऑर्ड विथ इनिशियल कोलिजन वेक्टर, एंड दिस इज आवर इनिशियल कोलिजन वेक्टर।
सो स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से, जिसमें हमने इनिशियल कोलिजन वेक्टर लिया है 10011, एंड इनिशियली हमारा प्रेजेंट स्टेट भी यही होगा, हम इसी स्टेट से स्टार्ट करेंगे और इसमें परमिसिबल लेटेंसीज को एज ए ट्रांजिशंस लेंगे 3, 4, 6+, और फिर देखेंगे कौन सा नया स्टेट मिलेगा. सो स्टार्टिंग विद द लेटेंसी 3, वी कैन सी कि हम प्रेजेंट स्टेट को राइट शिफ्ट करेंगे बाई 3, जो कि हमारा ये वाला स्टेट है, और राइट शिफ्ट करने के बाद 3 से वी कैन सी कि हमें 10 मिलेगा, और लेफ्ट से 3 0s यहाँ एंटर हो जाएंगे और राइट से 3 bits यहाँ से निकल जाएंगे. सो ICV के साथ अब हम इसे बिटवाइज और परफॉर्म करेंगे. इसमें हम 10 को 1 लिखेंगे, 1 1 1 होता है, 0 0 0 0 होता है, एंड 1 0 1 होता है. तो हमारा नेक्स्ट स्टेट मिला 10011, जो कि हमारा ओरिजिनल ICV ही है. अब हम चेक करते हैं विथ लेटेंसी 4. विथ लेटेंसी 4 मीन्स हम प्रेजेंट स्टेट को 4 से राइट शिफ्ट करेंगे. 4 से राइट शिफ्ट करते हैं अगर प्रेजेंट स्टेट को, तो 4 bits राइट साइड से बाहर निकल जाएंगे एंड सिर्फ बचेगा 1, एंड लेफ्ट से 4 0s ऐड हो जाएंगे. ICV के साथ हम इसका बिटवाइज और परफॉर्म करते हैं, तो वी विल गेट 10011. सेम वी विल डू विथ लेटेंसी 6, एंड लेटेंसी 6 में हम राइट शिफ्ट करेंगे प्रेजेंट स्टेट को 6 से, इट मीन्स सब यहाँ पे 0 0 0 बचेंगे. बिटवाइज और करने के बाद ओरिजिनल हमें वही स्टेट मिल जा रहा है. तो वी कैन कंक्लूड कि लेटेंसी 3, 4, 6+, इन तीनों के बाद हमें ओरिजिनल ICV ही मिल रहा है, दैट इज़ 10011, मीन्स कोई नया स्टेट नहीं मिल रहा है. तो इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा, और ये फाइनल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ही होगा, बिकॉज हमने तीनों लेटेंसीज अप्लाई की, और तीनों अप्लाई करने के बाद हम वापस उसी स्टेट पर रिटर्न हो रहे हैं, हमें कोई भी न्यू स्टेट नहीं मिल रहा है. तो दिस इज़ आवर ओनली फाइनल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जिसमें 3, 4, and 6+ लेटेंसीज में हम ओरिजिनल ICV पर रिटर्न हो जा रहे हैं. सिंपल. अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें मैल को कैलकुलेट करना था, जो कि शॉर्टेस्ट ग्रीडी साइकिल से एसोसिएटेड है. सो वी नो कि मैल क्या होता है, मिनिमम एवरेज लेटेंसी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीडी साइकिल. सो इसमें से देख के ग्रीडी साइकिल कौन सी लग रही है, जो सबसे स्मॉलर साइकिल है वो हमारी ग्रीडी साइकिल होगी, जो कि मिनिमम लेटेंसी एज से बनी है. तो 3 हमारी शॉर्टेस्ट ग्रीडी साइकिल है, एंड सो उसका मैल हम निकाल सकते हैं. हमारी मैल की वैल्यू क्या आई, 3. तो मैल एसोसिएटेड विद शॉर्टेस्ट ग्रीडी साइकिल इज 3. ओके, सो वैल्यू ऑफ मैल इज 3, एंड किस ग्रीडी साइकिल से एसोसिएटेड है ये, 3, जो कि एक कॉन्स्टेंट साइकिल भी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपलाइन थ्रूपुट निकालना है. हमें पाइपलाइन थ्रूपुट निकालना है करस्पॉन्डिंग टू मैल. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग टू मैल अगर हमें निकालने बोला है, तो ये कैसे निकाला जाता है, दिस इज डिटरमाइंड बाय द इनवर्स ऑफ मैल अडॉप्टेड. ठीक है, हम मैल का इनवर्स कर देंगे, मींस 1/mal अगर करते हैं, सो हमें थ्रूपुट मिल जाता है करस्पॉन्डिंग टू मैल. तो 1/mal दैट इज हमारा मैल कितना आया था, 3 आया था, तो 1/3 इज सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन में ये लिखा था पाइपलाइन थ्रूपुट बताना है करस्पॉन्डिंग टू द क्लॉक पीरियड, दैट इज टाउ इक्वल्स टू 20 ns. अगर ये निकालने बोलता है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, मीन्स F/mal. F/mal को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F की वैल्यू क्या होती है, 1/tau. ओके, बिकॉज वी नो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू 1/clock cycle. सो हमने F की बजाय यहाँ 1/tau पुट कर लिया, एंड हमने मैल की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे. मैल हमारा 3 है, टाउ हमारा 20 ns. नैनो सेकेंड्स को हम सेकेंड्स में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁹ seconds. और इसे हम अगर ऊपर ले जाते हैं, तो वी कैन फाइंड दिस, अगर हम इस तरीके से लिख लेते हैं इसे, तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये शो करता है MIPS को, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड को. तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट सेम 16.67 मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. तो अगर आपको निकालने बोलता है मैल के करस्पॉन्डिंग, तो आप इस तरीके से निकालेंगे, और अगर आपको टाउ के करस्पॉन्डिंग भी निकालने बोला, तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे. लास्ट क्वेश्चन ये है लोअर बाउंड ऑन मैल निकालना है. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम ये वाला डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ बाउंड ऑन द मैल. अब बाउंड भी दो तरीके के होते हैं, वन इज़ लोअर बाउंड ऑन मैल, सेकेंड वन इज़ अपर बाउंड ऑन मैल. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा लोअर बाउंड ऑन मैल क्या होता है, बट हम दोनों देख लेंगे कि दोनों हम कैसे निकाल सकते हैं अगर वो पूछता है तो क्वेश्चन में. लोअर बाउंड ऑन मैल क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेक मार्क्स इन एनी रो
ऑफ द रिजर्वेशन टेबल. जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ चेक मार्क्स है एक रो में उसे हम कहेंगे लोअर बाउंड एंड मैक्स. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस रो में दो चेक मार्क है, यहाँ भी टू है, यहाँ वन है, यहाँ टू. तो हर रो में मैक्सिमम चेक मार्क कितना है, टू है. हो सकता है अगर किसी में थ्री होता तो हम मैक्सिमम चेक मार्क क्या लेते, थ्री, और हमारा लोअर बाउंड थ्री होता. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे मैक्सिमम चेक मार्क कितने हैं, टू. तो हमारा लोअर बाउंड ऑन मैल कितना है, टू. ठीक है, सो बिकॉज लोअर बाउंड ऑन मैल टू आया है. और हमारा क्वेश्चन ये भी था, हाउ यू ऑब्टेन द ऑप्टिमल लेटेंसी फ्रॉम द अबव स्टेट डायग्राम. तो हमारे स्टेट डायग्राम में से हम ऑप्टिमल लेटेंसी कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पे हम ऑप्टिमल लेटेंसी अचीव नहीं कर पाएंगे. द ऑप्टिमल लेटेंसी इज़ नॉट अचीव्ड. ऐसा क्यों, बिकॉज हमारी ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, टू है. ठीक है, हमारी ऑप्टिमल वैल्यू टू है, जो कि अभी हमने लोअर बाउंड से निकाली. हमारी ऑप्टिमल वैल्यू टू है, बट हमारी लेटेंसी हमें क्या मिली है, द लेटेंसी दैट इज ऑप्टेंड इन सेक्शन थ्री इज थ्री, जिसमें से हमें मैल मिला था. ओके, तो हमें ऑप्टेंड हुई है जो मिनिमम लेटेंसी कौन सी मिली है, थ्री हुई है, लेकिन ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, टू. तो इसलिए ऑप्टिमल लेटेंसी हमें अचीव नहीं हो पाएगी. तो ये तो हो गया लोअर बाउंड और जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑप्टिमल लेटेंसी अचीव होगी कि नहीं होगी. और दूसरा एक पॉइंट है अपर बाउंड ऑन मैल क्या होता है. ये पूछा नहीं है बट हम इसे यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे. अपर बाउंड इज द नंबर ऑफ वंस इन द इनिशियल कोलिजन वेक्टर प्लस वन. ठीक है, नंबर ऑफ वंस मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे इनिशियल कोलिजन वेक्टर में, थ्री नंबर ऑफ वंस हैं, प्लस वन कर दीजिए, मीन्स थ्री प्लस वन फोर. तो ये हमारा निकल जाएगा अपर बाउंड ऑन मैल. ठीक है, सो लोअर बाउंड ऑन मैल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेक मार्क्स इन एनी रो ऑफ द रिजर्वेशन टेबल. एंड अपर बाउंड ऑन मैल कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ वंस इन द कोलिजन वेक्टर, इनिशियल कोलिजन वेक्टर प्लस वन. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें, और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें.